ज्यादा मैगी अगर आप इस दौरान खाएंगी तो ये जो है आगे चल के आपके गर्भस्थ शिशु जब ये दोस्तों बहुत चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें की मैगी पसंद नहीं है, अदरवाइज सभी लोगों को मैगी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैगी में कुछ ऐसा टेस्ट होता है दोस्तों जो कि वो ऑटोमेटिकली बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को पसंद आ जाती है और साथ ही महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रेग्नेंट महिलाओं की कि क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को मैगी का सेवन करना है या नहीं करना है। दोस्तों देखिए कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, बाहर रहती हैं, फैमिली से अलग रहती है, कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, खाने खाने का मन नहीं करता है या वो फिर रूटीन में ही मैगी खाना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए सुरक्षित होगा या फिर नॉर्मली भी अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या फिर आप अच्छे से खाना बना लेती हैं तो भी क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान मैगी का सेवन करना है या नहीं, ये जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी देने वाली हूँ। जानने के लिए हमारा ये वीडियो दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में हो दोस्तों या फिर जॉइंट फैमिली में हो, अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो रही है कि आपको क्रेविंग हो रही है, बार बार मैगी खाने का मन कर रहा है, आप बार बार मैगी ही बनाए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये जो है प्रेगनेंसी के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैगी दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि मैदे की बनती है और मैदा जो होता है हमारे शरीर के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को पाचन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैदा एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल पचता नहीं है, कई बार हाथों में भी चिपक जाता है, तो प्रेगनेंसी में इस तरीके का जोखिम लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों मैगी में क्या होता है, मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि बच्चे के लिए कहीं ना कहीं जोखिम भरी हो सकती है। मैगी में दोस्तों कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं जिससे कि मैगी खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो ये सब जो होते हैं कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिस वजह से जो है मैगी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती है। खास तौर पर मैदे से बनी हुई मैगी तो बिल्कुल इस दौरान आपको अवॉइड ही करनी है, मैदा आपको इस दौरान अवॉइड करना है। और वैसे भी दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान बार बार मैगी खा के आप अपनी भूख मत मिटाइए। आपको अगर भूख है तो आप इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो कि आपके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों को पूरा करे, जैसे कि आपको विटामिन ए, विटामिन B6, B12, फोलेट, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करना है। तो ऐसे में दोस्तों इन चीज़ों का सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। मैगी से सिर्फ आपकी क्रेविंग दूर होगी, आपकी भूख शांत होगी, लेकिन इसके कोई फायदे आपको इस दौरान नहीं मिलेंगे। अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, बार बार लगातार आप मैगी खा रही हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे जिस वजह से उसका विकास ठीक से नहीं होगा, ना तो वो शारीरिक रूप से अच्छा होगा ना वो मानसिक रूप से बढ़ेगा। और नुकसान भी दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा मैगी खाने से आपको खून की कमी इस दौरान हो सकती है और बहुत मैगी अगर आप खाएंगे तो बाद में क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपको भूख न लगने की समस्या भी हो जाएगी। मैगी जो है आपकी किडनी और लीवर में भी बुरा प्रभाव डालती है और इतना ही नहीं ज्यादा मैगी अगर आप इस दौरान खाएंगी तो ये जो है आगे चल के आपके गर्भस्थ शिशु जब ये पैदा हो जाएगा उसकी याददाश्त पर भी असर डालता है, उसकी मेमोरी को वीक बनाने का काम करता है। कई बार दोस्तों मैगी खाने से आपको सिर दर्द की समस्या लगातार बनी रह सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है उल्टी मितली की, तो ये इन समस्याओं को बढ़ावा देता है। ऐसे में अब क्या करें, क्या आपको क्रेविंग है तो मैगी का सेवन ना करें, बिल्कुल ना करें, नहीं ऐसा नहीं है, आप इस दौरान मैगी खा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप आटे वाली मैगी खा सकते हैं तो ये वाली मैगी आप खाइए, महीने दो महीने में एक बार आप मैगी खा सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे कि गर्भावस्था का दौर बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, आपको कुछ भी पचने में इस दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो मैगी आप इस दौरान बिल्कुल अवॉइड करिए। तो ये थी जानकारी मैगी के बारे में, अगर अभी तक कंफ्यूज हैं या फिर मैगी खा रहे हैं तो आप बिल्कुल सचेत हो जाइए और इस दौरान मैगी का सेवन ना करिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।